हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज़ DS2। तो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर्स में क्या देखे थे, जैसे कि हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन है, इसके केमिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हम कर रहे थे, लेकिन हमें अल्किल हैलाइड से हम अल्किल अल्कोहल बना रहे थे। लेकिन इस लेक्चर्स में हमें क्या बनाना है, हमें आज बनाना है अल्किल साइनाइड। क्या बनाना है? अल्किल साइनाइड। वो कैसे बनाना है? तो देखो, हम बना लेंगे। देखो कैसा है, देखो वेन अल्किल वेन अल्किल हैलाइड बॉइल्स विथ, क्या के साथ में बॉइल करना है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन कौन सा? पोटेशियम साइनाइड के साथ में, क्या के साथ में? पोटेशियम साइनाइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम साइनाइड के साथ में, पोटेशियम साइनाइड्स। ओके, तो हमें क्या मिलने वाला है फाइनली? इट गिव्स अपटेन करेस्पॉन्डिंग तो देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इट गिव्स अपटेन करेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलना है? अल्किल साइनाइड्स। हमें क्या मिलने वाला है? अल्किल साइनाइड्स। क्या मिलने वाला है? अल्किल साइनाइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अल्किल साइनाइड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? अल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, उनको जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है KCN के साथ में उनको हीट करना है। हीट करने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है? अल्किल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में पॉइंट नंबर एक लिख लिया मैंने, उसको हम उसके बाद में पॉइंट नंबर टू लिखूंगा। जो हैलोजन आइटम है, ये जो हैलोजन आइटम है ये काय को रिप्लेस करेंगे? CN ग्रुप को। हैलोजन आइटम आर रिप्लेस बाय CN ग्रुप, इस साइनाइड्स ग्रुप को ये रिप्लेस करेंगे। तो देखो इस रिएक्शन की हमें इस यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ऐसा पढ़ा कि हमें अल्किल हैलाइड लेना है, ओके, उसकी रिएक्शन हमें अल्कोहलिक पोटेशियम के साथ करवाना है। पोटेशियम साथ करवाने के बाद में मुझे अल्किल साइनाइड मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? उसकी जनरल रिएक्शन हम देखने वाले हैं। तो जनरल रिएक्शन हमें देखना है। सबसे पहले हमें अल्किल हैलाइड कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए। R बॉन्ड X, इसकी रिएक्शन क्या के साथ में करना है? पोटेशियम साइनाइड के साथ में, KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ में इनकी रिएक्शन करवाना है। तो मुझे क्या करना है? इनको बॉइल करना है, हीट करना है। बॉइल करने के बाद में यहाँ पे क्या निकलेगा? KX, और बाहर क्या मिल जाएगा? R बॉन्ड X प्लस, यहाँ पे क्या मिलने वाला? साइनाइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? KCN प्लस क्या निकलेगा बाहर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन क्या की, इसके वेन अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड को किसके साथ में बॉइल किया मैंने? पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो इसका नाम लिख लो, इसका नाम लिखना जरूरी होता है। इनका नाम होता है अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड्स नाम होता है इनका, और इनका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इनकी रिएक्शन मैंने करवा दी है। करवा देने के बाद में मुझे क्या मिला है? अल्किल साइनाइड। क्या मिला है? अल्किल साइनाइड। देखो मुझे अल्किल हैलाइड से मुझे अल्किल साइनाइड मुझे मिल चुका है, इसकी वर्डिंग ऊपर लिखे वाली है। लेकिन बेटा इसके एग्जाम्पल करवाना हमें ज़रूरी होता है, एग्जाम्पल हमें हर एक रिएक्शन में एग्जाम्पल करना ज़रूरी है। तो मैं इस एग्जाम्पल के लिए अपनी बोर्ड की जो है नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। देखो मैं क्या बोलता हूँ, जहाँ R वहाँ CH3, जहाँ X वहाँ CLO। चलो तो मुझे यहाँ पे फाइनली अल्किल साइनाइड मुझे मिल चुका है। एक्चुअली एग्जाम्पल मुझे करवाना है। एग्जाम्पल करवाने के बाद में देखो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमें करना है। एग्जाम्पल नंबर एक, एग्जाम्पल नंबर एक क्या करना है? जहाँ पे भी R दिखा बेटा वहाँ पे क्या लेना है? CH3 लेना है, और जहाँ पे X था वहाँ पे CL ले लो, आपकी मर्जी है चाहे आप ले लो। उसके बाद में इसका नाम, उसकी रिएक्शन मुझे क्या के साथ में करना है? KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ में, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो
तो इनका नाम होता है बेटा, देखो सबसे पहले इसका नाम आएगा मिथाइल और सीएल का नाम क्लोराइड। क्या आएगा? मिथाइल क्लोराइड आएगा। उसके बाद में पोटेशियम साइनाइड्स, इनका नाम है पोटेशियम साइनाइड्स। तो मुझे फाइनली यहाँ पे KCl निकलने वाला है और मिथाइल साइनाइड मुझे मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है? देखो ये CH3 है, उसके बाद में क्या है यहाँ पे CN है, उसके बाद में क्या निकला बार KCl। तो इसका नाम फाइनली मुझे मिथाइल साइनाइड्स मिला है। क्या मिला है? मिथाइल साइनाइड्स। क्या मिला है? मिथाइल साइनाइड्स। ओके, देखो पोटेशियम साइनाइड्स के साथ में रिएक्शन करके, देखो इसकी वर्डिंग लिखना जरूरी होती है। वर्डिंग जो है वेन से स्टार्ट करना, वेन मिथाइल क्लोराइड आर बॉइल विथ, क्या के साथ में बॉइल्स करना है इसको, बॉइल विथ क्या के साथ में पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड्स के साथ में इसको बॉइल किया। बॉइल करने के बाद में क्या लिखना, इट्स गिव्स ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग, मुझे क्या मिलने वाला है करस्पॉन्डिंग में, मुझे मिथाइल साइनाइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मिथाइल साइनाइड, मुझे मिथाइल साइनाइड मुझे मिलने वाला है। उसके बाद में जहाँ पे भी एग्जांपल नंबर वन ले लिया, एग्जांपल नंबर दो हमें देखना है, जहाँ पे भी आर है, जहाँ पे भी आर है तो वहाँ पे क्या लेना है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल करवाए हैं, दो एग्जांपल आपको दिखते हैं क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सोई से, ठीक है पूरी तरह से दिख रहा है। तो अभी तक मुझे क्या करवाना है, जहाँ पे भी CH3 था वहाँ पे क्या लेना है, C2H5 लेना है, C2H5 की रिएक्शन। देखो Cl की जगह Cl ही ले लिया मैंने, चलो मेरे को अच्छा लगा इसीलिए मैंने लिया, KCN लिया। KCN करने के बाद में मुझे उसको हीट किया, हीट करने के बाद में यहाँ से क्या निकला, KCl, क्या निकला, KCl, और मुझे फाइनली C2H5Cl प्लस क्या मिला बाहर, KCl, CN आएगा बेटा यहाँ पे, CN प्लस क्या निकला, KCl। यहाँ पे मुझे मिथाइल क्लोराइड से मैंने क्या बनवा दिया है यहाँ पे, पोटेशियम साइनाइड्स। तो क्या बनाया मुझे, इथाइल साइनाइड। ओके, इथाइल क्लोराइड से मैंने इथाइल साइनाइड यहाँ पे बना दिया है। तो उसकी वर्डिंग जहाँ जहाँ देखो मिथिल दिखा वहाँ वहाँ पे इथिल लिखना, तो ये पूरी तरह से उसकी वर्डिंग हो चुकी है। लेकिन हमें नेक्स्ट रिएक्शन देखना है। इसके बाद में ये रिएक्शन में हमें इसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे बार फिर से, मैंने रिएक्शन ऑफ अल्किल आयन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ में किया, और रिएक्शन करने के बाद में अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, अल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के करवाने के बाद में मुझे क्या मिला, अल्किल साइनाइड मिला। क्या मिला मुझे, अल्किल साइनाइड मिला। अल्किल साइनाइड मिलने के बाद में उनके मैंने आपको दो एग्जांपल करवा दिए पूरे प्रैक्टिस के लिए, आप ये रिएक्शन पूरी तरह से कर सकते हो। उसके बाद में मुझे क्या करना है, एक दूसरी रिएक्शन मुझे देखना है, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड के साथ में हमें रिएक्शन करना है। अभी कैसा करना है देखेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद, देखो एक बार मैं पूरी तरह से बोर्ड रब कर लेता हूँ। ओके, देखो रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद सिल्वर अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन कौन सा नाम है उसका, जैसे कि AgCN मीन्स इसका नाम होता है सिल्वर आइसोसाइनाइड्स। AgCN के साथ में इनकी रिएक्शन मुझे करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन करते समय यहाँ पे क्या होगा वो हमें लिखना है। जब रिएक्शन हम करेंगे तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे वेन
अल्किल हैलाइड्स बॉइल विथ, क्या के साथ में बॉइल किया? व्हेन अल्किल हैलाइड बॉइल विथ, क्या के साथ में बॉइल किया इनको? HgCl, इट्स गिव्स सिल्वर साइनाइड के साथ में, इट गिव्स अल्कोहलिक, लिखो बेटा अल्कोहलिक सॉल्यूशन, बॉइल विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन, क्या नाम है उनका? AgCN, AgCN के साथ में उनकी रिएक्शन करवाई, या इट गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग, इट्स गिव्स अपटेन करस्पॉन्डिंग, एडिक्यूज ऑप्टेन करस्पॉन्डिंग, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? क्या मिला मुझे? अल्किल साइनाइड्स, क्या मिला? अल्किल साइनाइड्स, क्या मिला? अल्किल साइनाइड्स मुझे मिला। तो जैसे हमने पहले रिएक्शन में देखा था वैसे ही ये जो हैलोजन है, ये जो हैलोजन है, हैलोजन आटम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। किनको रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस बाय, किसको रिप्लेस करेंगे? CN ग्रुप को। कौन करेंगे? CN ग्रुप को। ओके, तो इसकी जनरल रिएक्शन हम अभी देखेंगे। जनरल रिएक्शन देखते समय जनरल रिएक्शन हमें देखना है बेटा, जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देखो, देखते समय हमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले अल्किल हैलाइड, ओके अल्किल हैलाइड की जगह मैं CL लेता हूँ, चलो CL लेता हूँ, मीन्स उसका एक एग्जाम्पल है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इनकी रिएक्शन AgCN के साथ में करवा देता हूँ। AgCN के साथ में करवाने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है? देखो, अल्किल साइनाइड प्लस AgCl बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? AgCl, तो इसका नाम होता है अल्किल। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो NC, इसको तुम बोलना अल्किल आइसो साइनाइड्स, ओके ओके, अल्किल आइसो साइनाइड्स बोलना इसको। तो देखो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसका नाम लिख दो, चलो अल्किल क्लोराइड से मैंने क्या बनाया? अल्किल आइसो साइनाइड। तो देखो बच्चों मैंने क्या बनाया यहाँ पे, फाइनली अल्किल क्लोराइड से मैंने अल्किल आइसो साइनाइड मैंने बना लिया है। देखो आप करो, जहाँ पे भी आर वहाँ पे CH3, CH3 वाला एग्जाम्पल हम करवा के लेंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, जो कि पहले रिएक्शन का है, मैं रब कर लेता हूँ। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करवाऊँगा यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर वन जहाँ पे CH3CN प्लस AgCl, तो इनका नाम होता है मिथाइल, क्या नाम होता है? मिथाइल साइनाइड, क्या नाम इनका? मिथाइल साइनाइड, तो इनका नाम होता है सिल्वर CN होना, साइनाइड साइनाइड, क्या नाम होना? सिल्वर साइनाइड्स, ओके। इसकी रिएक्शन करवा दूँ तो मुझे क्या निकलेगा यहाँ पे? AgCl, यहाँ पे CL लो बेटा, ऐसा क्यों है? मिथाइल क्लोराइड नाम लो इसका, ओके मिथाइल क्लोराइड्स। एक बार हमारा गलत कुछ नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे CL लेना था तो मैंने CL ले लिया था, और यहाँ पे CL लेना था तो मैंने CL ले लिया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो देखो यहाँ पे इसको हीट करवा दो, हीट करवा देने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है फाइनली? CN NC, ओके प्लस AgCl, तो इनका नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ओके ये फाइनल नाम है उसका, ओके। उसके बाद में जहाँ जहाँ आर वहाँ वहाँ CH2, तो देखो इसकी वर्डिंग आप लिख चलो। उसके बाद में मुझे क्या करवाना है, एक रिएक्शन है CH3, ओके सबसे पहले ये रिएक्शन मुझे करवाना है, जहाँ जहाँ आर वहाँ वहाँ C2H5, यहाँ पे CL था, यहाँ पे AgCl था, और फाइनली मुझे क्या कंपाउंड मिलने वाला था? CN, ओके
यहाँ से ये निकलने वाला था C2H5 मिलने वाला है, उसके बाद में मुझे बॉन्ड क्या मिलने वाला है CN प्लस बाहर निकलने वाला है AgCl। ओके, इसका नाम होता है मिथाइल साइनाइड। क्या नाम होता है? मिथाइल क्लोराइड नाम होता है इसका, इथाइल दो कार्बन है। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड से मुझे इथाइल आइसोसाइनाइड मिला। क्या मिला? इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, इथाइल क्लोराइड से मुझे इथाइल आइसोसाइनाइड मिल चुका है। उसके बाद में मुझे तीसरी रिएक्शन देखा है। देखो, पहले रिएक्शन में मैंने क्या देखा है कि अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने सिल्वर साइनाइड के साथ में की। सिल्वर साइनाइड के साथ में करने के बाद में मुझे अल्किल आइसोसाइनाइड मिल चुका है। ओके, उसके बाद में ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, उसके दो एग्जांपल मैंने देखे, जहाँ जहाँ आर वहाँ वहाँ CH3। लेकिन बच्चों, हमें और भी तीसरी रिएक्शन देखना है, रिएक्शन ऑफ अल्किल हाइड्रेट एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में हमें रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन ऑफ अल्किल हाइड्रेट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाना है। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, ध्यान देके देना, देखना बेटा। क्या थोड़ी सी अलग है? तो देखो रिएक्शन तो थोड़ी सी अलग है, लेकिन क्या अलग है वो हमें अभी देखना है। देखो, व्हेन रिएक्शन ऑफ अल्किल हाइड्रेट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ अमोनिया मीन्स NH3 के साथ में इनकी रिएक्शन करवाना है। NH3 यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, एक्सेस ऑफ अमोनिया के अल्किल हाइड्रेट की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ में करवाना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्हेन, देखो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, व्हेन अल्किल हैलाइड्स बॉइल विथ, अल्किल हाइड्रेट को बॉइल करके, बॉइल विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया उसका नाम होता है NH3 अंडर इन दिस रिएक्शन अंडर प्रेशर। ये रिएक्शन जब हम करते हैं तो इसको हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेशर हमें देना पड़ेगा। व्हेन अल्किल हैलाइड बॉइल विद एक्सेस ऑफ अमोनिया NH3 के साथ में, इनको क्या करना पड़ेगा? बॉइल करना पड़ेगा। बॉइल करने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है? अल्किल अंडर इट गिव्स अप 10 करस्पॉन्डिंग एट्स गिव्स अप 10, हमें क्या मिलने वाला है? अमाइन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अमाइंस। क्या मिलने वाला है? अमाइन मिलने वाला है, अमाइंस। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं इसको। अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं इसको, अमाइन के साथ में, इसलिए अमोनोलिसिस रिएक्शन। एक रिएक्शन में वैसा जैसे मैंने पहले रिएक्शन में लिखा था, जैसे कि ये जो हैलोजन है, हैलोजन क्या को रिप्लेस करेंगे? हैलोजन आर रिप्लेस। देखो, सबसे पहले वही बात है, किसको रिप्लेस बाय NH2 ग्रुप, NH3 ग्रुप। ओके, NH2 ग्रुप के साथ में। तो सबसे पहले हमें ये रिएक्शन देखते समय, इसके पहले जो रिएक्शन हमने देखे थे उस रिएक्शन में हमने सिर्फ बॉइल किया था, इस रिएक्शन में हमें अंडर प्रेशर देना जरूरी है। वो कैसा देना है रिएक्शन करवा के बता देता हूँ। तो सबसे पहले रिएक्शन करते समय R बॉन्ड X प्लस NH3। ओके, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? देखो, इस तरह से NH2H। ओके, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से क्या निकलने वाला है? HX निकलने वाला है, और मुझे प्राइमरी अमाइंस मिलने वाला है। इसको हम प्राइमरी अमाइंस भी बोल सकते हैं, R बॉन्ड NH2। ओके, प्लस बाहर क्या निकला रहे? HX।
तो इसका नाम होता है प्राइमरी अमाइंस। क्या नाम होता है? प्राइमरी अमाइंस। देखो इस रिएक्शन में मैंने क्या किया कि इस रिएक्शन में करते समय इसको हीट दिया और अंडर प्रेशर है ये रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये रिएक्शन करते समय मुझे अंडर प्रेशर देने की ज़रूरत है। ज़रूरत है जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि इनके एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल मुझे देखना है, एग्जाम्पल नंबर एक, एग्जाम्पल नंबर जहाँ पे भी R है वहाँ पे मुझे क्या लेना है, सी एस थ्री, और यहाँ पे क्या था, सी एल प्लस एन एच, देखो एच एन एच टू, ओके, इनके साथ में रिएक्शन करवा देना है जो अगले जो सेम कंडीशन में है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा और मुझे फाइनली सी एस थ्री एन एच टू प्लस एच सी एल, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मिथाइल, और इसका नाम एन एच टू का नाम अमाइन, मिथाइल अमाइन, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड से मुझे मिथाइल अमाइन मिल चुका है, मिथाइल क्लोराइड। पूरी रिएक्शन उल्टी है बेटा, देखो उल्टी नहीं करवा देना, ओके ओके। तो वेन इसकी देखो, इसका नाम होता है अमोनिया, अमोनिया वेन मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड जो है आर बॉइल विथ, मिथाइल क्लोराइड के किसके साथ बॉइल किया, अमोनिया के साथ में बॉइल किया, अमोनिया के साथ में बॉइल किया। बॉइल करने के बाद में मुझे क्या मिला, मिथाइल अमाइन एट अंडर प्रेशर। ये रिएक्शन करते समय मुझे अंडर प्रेशर देना जरूरी है, तो मुझे फाइनली मिलने वाला है मिथाइल अमाइंस। क्या मिलने वाला है, मिथाइल अमाइंस मुझे मिलने वाला है। और जहाँ पे भी इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं अभी करवा देता हूँ, जहाँ पे सी एस थ्री है वहाँ पे लेना सी टू एच फाइव जैसा सी एल, वहाँ पे एच एन एच टू, ओके। उसके बाद में से वो कंडीशन है, वो कंडीशन करवाने के बाद में मुझे क्या मिलने वाला है, सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव के बाद में एन एच टू प्लस एच सी एल, ओके। तो इनका नाम होता है इथाइल अमाइन। मैंने क्या बनाया, इथाइल क्लोराइड से इथाइल फाइनली, इसकी वर्डिंग आप लिखना है, मैंने फाइनली क्या बनाया, इथाइल क्लोराइड से इथाइल अमाइन मैंने यहाँ तक बना लिया है। जैसे कि हमने सबसे पहले आज कौन से तीन रिएक्शन देखी है, जैसे कि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैंने पोटेशियम साइनाइड के साथ में करवाई है, उसके बाद में मैंने सिल्वर साइनाइड के साथ में करवाई है, और जो तीसरी रिएक्शन है अल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है मैंने किसके साथ में कराई है, अमोनिया के साथ में। तीनों रिएक्शन आप क्या करो, घर पे लिखते चलो बेटा, समझने को बहुत आसान है लेकिन आदमी से भूल जाता है, ओके। थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में।